बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत ने ईद उल अज़हा की जो है वो जो छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है, ईद कुर्बान पर निजी और सरकारी इदारों में मुलाजमीन को 3 सरकारी तातीलात दी जाएंगी। न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत की जाने से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निजी सरकारी महकमों पर ईद उल अज़हा पर 10 से 12 जुलाई तक छुट्टियाँ होंगी। नोटिफिकेशन के तहत ईद उल अज़हा के लिए इतवार 10 जुलाई से सोमवार 11 जुलाई, मंगल 12 जुलाई को छुट्टी होगी। इसके अलावा कैबिनेट डिवीज़न ने ईद उल अज़हा के मौके पर 10, 11 और 12 जुलाई को 3 तातीलात करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म ने अगर 3 छुट्टियों की समरी की मंजूरी दे दी तो इतवार, फिर मंगल और ईद को छुट्टी होगी। दूसरी जानब पाकिस्तानी रेलवे ने ईद उल अज़हा पर प्रदेशियों की सहूलत स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया है, ताकि दूसरे शहरों में मुकीम लोग अपनी ईद पर अपने घरों को जा सकें। स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला मुसाफिरों के रश के पेश नज़र किया गया है। 8 जुलाई को सुबह 10 बजे पहली स्पेशल ट्रेन कोयटा से बराह रास्त मुल्तान, साहिवाल, लाहौर से पिशावर पहुँचेगी। इसी तरह 8 जुलाई को दूसरी स्पेशल ट्रेन शाम 6:45 पर कराची से बराह रास्त मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर पहुँचेगी। 13 जुलाई को तीसरी स्पेशल ट्रेन लाहौर से सुबह 11:30 पर बराह रास्त फैसलाबाद और मुल्तान से कराची पहुँचेगी। दूसरी जानब ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने हुकूमत से ईद उल अज़हा तक रात 9 बजे कारोबार बंद करने की पाबंदी ख़त्म करने और इतवार के रोज़ कारोबार खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया है। ताजर तबका हर कड़े वक्त में हुकूमत का साथ देता है, इसलिए हमारी दरख्वास्त को फौरी ज़ोर ख़ौर लाया जाए और इसको ज़ोर लाते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि ताजरों ने ईद उल अज़हा के लिए पेशगी माल तैयार किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी और इतवार के रोज़ कारोबार की बंदिश की वजह से अदायगियाँ करना